हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम लोग टेस्टिंग करेंगे कि USB-C OTG डोंगल की, और देखेंगे हम लोग क्या क्या डिवाइस इससे कनेक्ट कर सकते हैं अपने फ़ोन के साथ। फ़ोन हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं सैमसंग का A20s, और इसकी हेल्प से हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ है हमारे पास एक कीबोर्ड, इसके साथ हम माउस भी लगाएंगे, एक USB लाइट भी देखेंगे, और हम लोग टेस्टिंग करेंगे एक पेन ड्राइव की, और देखेंगे कि पेन ड्राइव से फाइल अगर हम ट्रांसफ़र करें फ़ोन के अंदर तो उसको ट्रांसफ़र होने में कितना टाइम लगता है। और पेन ड्राइव से हम लोग एक फ़ाइल भी प्ले करेंगे और देखेंगे कि स्मूथली चलती है नहीं चलती है, आगे पीछे करने में कोई दिक्कत तो नहीं है, और शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ है हमारे पास ये लाइट, तो USB लाइट है। अब फ़ोन के अंदर पहले से ही फ्लैश लाइट होती है, अब इसका इस्तेमाल आप कैसे करोगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा काम है यहाँ पर देखना। अब USB-C में तो USB-A लगेगा नहीं, तो इसलिए हम लोग USB-C OTG डोंगल का इस्तेमाल करेंगे। इसकी हेल्प से हम लोग कोई भी USB डिवाइस अपने फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें USB-C पोर्ट हो। तो ये जो लाइट है ये 500 मिली एम्पियर लेती है, ज़्यादा पावर की नहीं है, आप देख सकते हो आराम से लाइट जल गई है। अब कई बार फ्लैश लाइट फ़ोन की एक ही डायरेक्शन में जाती है, लेकिन ऐसी तरह की लाइट लगा करके हम लोग उसको किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं, तो शायद कुछ लोगों को ये हेल्प आए, लेकिन फ़ोन में ऑलरेडी एक फ्लैश लाइट होती है तो शायद कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं आ पाएगी। दूसरी चीज़ हम लोग देखते हैं इसमें लगा करके एक पेन ड्राइव, तो ये पेन ड्राइव 16 GB की पेन ड्राइव है ट्रांसेंट की, और इसमें एक मैंने मूवी डाल रखी है उरी सर्जिकल स्ट्राइक, उसको कॉपी करके देखेंगे और देखेंगे कितना टाइम उसमें लगता है, और देखेंगे प्ले करके कि स्मूथली प्ले होती या नहीं होती है। तो पेन ड्राइव मेरे ख्याल से डिटेक्ट हो गई है, आप देख सकते हो शो कर रही है, मैंने फाइल मैनेजर में आ गया हूँ और लाइट भी जल रही है पेन ड्राइव में। ये मूवी है, इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको कॉपी करें। हमने मैं आपको फ़ाइल साइज़ दिखा देता हूँ, 1.11 GB की है, यानी कि 1 GB 100 MB के करीब ये फ़ाइल है। इसको कॉपी कर लिया है मैंने, और अब लोग मैं जाऊँगा इसको अपने फ़ोन के अंदर पेस्ट करेंगे और देखेंगे कि 1 GB की फ़ाइल कितने टाइम में ट्रांसफ़र होती है पेन ड्राइव से फ़ोन के अंदर। तो कॉपी हेयर पे क्लिक करेंगे, ये कॉपी हो रही है, तब तक यहाँ पे टाइमर स्टार्ट कर देते हैं ताकि हमको पता चल जाए कितनी देर में कॉपी हुई है। वापस देखते हैं कितनी ट्रांसफ़र हो गई है, और ये यहाँ पे ट्रांसफ़र है, तो अब 90% पे मिलेंगे, और ये 97% हो गई फुल। चलिए टाइमर स्टॉप करते हैं, अब देखते हैं कितने टाइम पे हुई। तो तकरीबन 1 मिनट 13 सेकंड में 1 GB की फ़ाइल, 1 GB 100 MB की फ़ाइल आराम से ट्रांसफ़र हो गई। फ़ाइल को प्ले करके भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो फाइल में नहीं, और स्मूथली फाइल प्ले हो रही है या नहीं हो रही है, और एक्सप्लोर करने में आगे पीछे करने में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आप देख सकते हो इजीली फाइल प्ले हो रही है, मैंने पेन ड्राइव से भी फाइल प्ले करी है, इससे बड़ी फाइल भी मैंने प्ले करी है, और कोई दिक्कत मेरे को नहीं आई है। तो USB-C माइक्रो USB से काफ़ी फास्ट है। तीसरी चीज़ हम लोग देखते हैं इसमें कनेक्ट करके एक फ़ोन, तो इसका सबसे OTG का फ़ायदा यह है कि अपना एक कोई फ़ोन भी आप चार्ज कर सकते हो। अब ये इस पावर बैंक की तरह आप इस्तेमाल मत करना अपने फ़ोन को, लेकिन कई बार इमरजेंसी हो जाती है, आपका फ़ोन डेड हो जाता है, सेकंड फ़ोन जिसमें कोई इंपॉर्टेंट नंबर होता है, आपको नंबर चाहिए होता है फ़ोन ऑन करने के लिए, आप इस तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप देख सकते हो चार्जिंग स्टार्ट हो गई है, और मैंने टेस्टिंग की थी 4-5 फ़ोन से, और मैंने मेजर किया था करंट, तो मैक्सिमम करंट आपको USB OTG से जो मिलेगा वो मिलेगा 500 मिली एम्पियर का, तो उससे ज़्यादा करंट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी आप कोई भी फ़ोन चार्ज कर सकते हो। लेकिन फुल चार्ज करोगे ये मत सोचना, पावर बैंक की तरह अपना फ़ोन इस्तेमाल मत करना, सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में या फिर कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो अपना एक सेकंड फ़ोन चार्ज करने के लिए, ताकि एक दो कॉल आप किसी को मिला पाओ या फिर उसमें कोई इंपॉर्टेंट नंबर हो, फ़ोन को ऑन करके वो नंबर ही निकाल पाओ अपने फ़ोन में से। तो OTG से आप अपना फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो, और मैक्सिमम करंट आपको मिलेगा 500 mA का। अब देखते हैं हमारी तीसरी चीज़ जो है एक कीबोर्ड और एक माउस। तो ये दोनों ही कीबोर्ड और माउस जो हैं ये लॉजिटेक कंपनी के हैं, लॉजिटेक पे मैं काफ़ी ज़्यादा भरोसा करता हूँ और मैं काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ करता हूँ। ये रिसीवर है, ये एक यूनिफाइंग रिसीवर है, यानी कि एक ही रिसीवर इस्तेमाल करके आप 6 डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ 2 डिवाइस हैं, एक ही कीबोर्ड है और एक ही माउस है, और इसी डोंगल से ये पेयर हो रखे हैं। अब इसको USB-C OTG को मैं अपने सैमसंग A20s में लगा देता हूँ, और आप देखोगे कि दोनों ही कीबोर्ड और माउस एक ही डोंगल से पेयर हो जाएंगे। अब ये हेल्प करेगा उनको जो लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं अपने फ़ोन से या फिर माउस से, उन्हें काफ़ी प्रिसाइज यानी कि काफ़ी सटीक पॉइंटर चाहिए होता है। आप देख सकते हो माउस डिस्प्ले हो गया है, मैं फ़ोन को कंट्रोल कर पा रहा हूँ।
YouTube खोलते हैं, अपने चैनल को सर्च मार करके देखते हैं एक बार, तो ये YouTube खुल गया है। इसमें सर्च में अगर हम जाएंगे, मैं इजीली कीबोर्ड का इस्तेमाल करके टाइप कर सकता हूँ। आप फ़ोन का कीपैड इस्तेमाल करोगे तो कई बार गड़बड़ हो जाती है। जब आप फॉर्म भरते हो एग्जामिनेशन फॉर्म, तो कई बार ऐसा होता है कि फॉर्म बहुत बड़ा होता है, उसमें अपना नाम भी डालना होता है आपको, फादर नेम कुछ कैपिटल लेटर में लिखना होता है, कुछ स्मॉल में स्पेशल कैरेक्टर भी लिखने होते हैं। ऐसे करते करते आजकल क्या होता है, कई बार फॉर्म का टाइम आउट हो जाता है, यानी कि कुछ समय में ही आपको उस फॉर्म को भरना होता है। अगर उससे ज़्यादा आप ले लेते हैं समय, तो आपको वाला पेज दोबारा भरना पड़ता है, तो वो दिक्कत हो जाती है। कई बार पासवर्ड डालने पड़ते हैं जिसमें स्पेशल कैरेक्टर नंबर ये सब डालने पड़ते हैं, तो फ़ोन के कीपैड से टाइप करना मुश्किल हो जाता है। कीबोर्ड से अगर आप करोगे, प्रॉपर कीबोर्ड से, तो आप अपना फॉर्म भर पाओगे। और कुछ लोगों के पास फॉर्म भरने का तरीका सिर्फ फ़ोन ही होता है, या फिर वो इंटरनेट कैफ़े पे जाके 100 रुपये तकरीबन देने पड़ते हैं। तो कीबोर्ड और माउस लेकर के अपने ही फ़ोन से आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हो बिना कुछ गलती करे। तो आप देख सकते हो मैं कीबोर्ड पे माउस से अपना वीडियो ब्राउज़र प्ले कर पा रहा हूँ ईजीली, और कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सरकारी रिजल्ट वेबसाइट पे चलते हैं और कोई भी लिंक क्लिक करते हैं और देखते हैं फॉर्म आप कैसे भर दें। फॉर्म मैं पूरा नहीं भरूंगा, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से कुछ लोग इसका हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि कुछ इलाकों में कंप्यूटर बहुत जगह पर नहीं मिलता, इंटरनेट भी कई बार नहीं मिल पाता है। लेकिन अगर आपके पास फ़ोन है और इंटरनेट है, आप अपने पास ही इजीली फॉर्म अपना भर सकते हो। तो आप देख सकते हो स्क्रॉल व्हील से पेज भी ऊपर नीचे हो जा रहा है, और या फिर कई बार आप वीडियो देख रहे होते हो तो आपको बार बार फ़ोन टच करने की ज़रूरत नहीं है आगे पीछे करने के लिए। आप माउस का इस्तेमाल करके ही, आपने एक बार फ़ोन सेट कर दिया, आप सिर्फ माउस का इस्तेमाल करके ही वीडियो को आगे पीछे कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैं टाइप कर रहा हूँ, और ईजिली टाइप कर सकता हूँ मैं, छोटे कैरेक्टर, बड़े कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर, कैप्चा भी भर सकता हूँ, और काफ़ी कम टाइम में भर दूंगा। कई बार पेमेंट होती है बैंक की, तो उसमें भी टाइम लग जाता है। आप लोग अपनी क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालते हो, नाम डालते हो, CVV डालते हो, और वो कई बार आप लोग फ़ोन के कीपैड से गड़बड़ हो जाती है, तो फिर आपको दोबारा पेमेंट करनी पड़ जाती है। कई बार पेमेंट में गड़बड़ी भी हो जाती है, कुछ लोग डबल पेमेंट कर देते हैं। तो कीबोर्ड का इस्तेमाल करोगे आप तो काफ़ी गड़बड़ी कम होगी, और एक कंप्यूटर की जो कमी होती है काफ़ी लोगों के पास, वो आपकी काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी इसकी हेल्प से। तो देखा आपने कि माउस और कीबोर्ड भी बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें काम कर रहे हैं। और ये है यूनिफाइंग रिसीवर जिसपे स्टार बना होता है, जिसकी हेल्प से आप लोग 6 डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको लेना है तो कोशिश करना कि कॉम्बो ऑप्शन लो जिसमें कीबोर्ड और माउस होता है और एक डोंगल आपको मिलता है। तो ये था वीडियो हमारा इस USB-C डोंगल का, इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें मैंने कनेक्ट करके दिखाई आपको। सैमसंग का A20S है ये जो डोंगल लिया है मैंने, तकरीबन 50 रुपये का लोकल मार्केट में लिया है, ऑनलाइन मेरे ख्याल से थोड़ा महंगा है। और ये USB 2.0 डोंगल है, 3.0 डोंगल भी अवेलेबल है जिसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी। तो मैंने माउस कनेक्ट किया, कीबोर्ड कनेक्ट किया, लाइट कनेक्ट करी, पेन ड्राइव भी कनेक्ट करी, फाइल भी चला करके देखी। तो ये था वीडियो, फ़ोन चार्ज करके भी देखा। तो ये था वीडियो USB-C OTG डोंगल का। उम्मीद करता हूँ वीडियो ठीक ठाक लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।